एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। ठीक है, समझ गया। सही है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बंदा कहां है? पाकिस्तान में। लड़की कहां है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे? एक किस बेवकूफ ने इश्तेहार लिखा है? पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे हैं कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, एक साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। भाई वाह, क्या? तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा, बोलो, नहीं कहलाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अकली लिहाज से मिलना नामुमकिन भी हो फिर भी फुकहा कहते हैं ये तावील की जाएगी, हो सकता है करामत के तौर पे मिल गए हों। अबे साले, और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? इधर जवाब मेरे कोल है कि अगर किसी का खावन दूसरे मुल्क हो और पीछे से औलाद हो जाए तो वो करामत की औलाद तसव्वुर की जाएगी। अच्छा। और अक्सर मुझे लगता है कि इनके मुफ्तिया करामत की औलाद है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो बुजुर्ग सेकंडों के अंदर तख्त उठा के ले आए थे ना। देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने, तो ऐन मुमकिन है कोई जिन सेकंडों के अंदर इसको वहां ले गया हो। अगर चाहे लोग ये बातें सुन के हंसते हैं और के करिए यार, फिर यही कर सकते हैं ना। ये हो सकता है करामत के तौर पे मिल गए हों। तना गलत कैसे हो सकता है भाई? आजा आजा समझाते हैं तुझे। शादी करके हम 2 साल के लिए बाहर चला गया परदेश कमाने के लिए। अच्छा। और जब वहाँ से हम आए तो देख रहे हैं कि मेरा बीबी प्रेग्नेंट है। सुहागरात नहीं मनाए थे? नहीं सर। तो बताइए क्या ये समाचार आ रहा है कि सुहागरात मनाने की प्रेग्नेंट कैसे हो गया यहाँ पर? हम प्रेग्नेंट सही में, इन्हीं का बच्चा है। इन्हीं का बच्चा है जी। तो कैसे इनका बच्चा है जी? सपना में आके प्यार करते थे। गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गों का और उलमादा मजाक उड़ा रहे थे बैठ के। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। देख लीजिए आपके सामने कराची का जो मुफ्ती है, उसने टीएलपी के डर से वो इशरा वाकये के ऊपर अपनी वीडियो में से पहले वो पोर्शन कटिंग किया जिसमें उसने कहा था ये सर फिर लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद भी उसे कत्ल की धमकियां मिली वीडियोस में कि तुझे घर से नहीं निकलने देंगे। इसने एक स्टेप और तय किया, नीचे कॉमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कह रहा था, हालांकि उन्हीं को कह रहा था। देखो झूठ बोल गया। ठीक है, लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब पब्लिकली आके एड्रेस करें, ठीक है, ये पब्लिकली निकल के बताए ना उस वीडियो का दिफा करके। अच्छा, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, फिर वो वीडियो अनलिस्ट कर दी, यानी वो पब्लिकली नजर ही ना आए सवाए जिसके पास लिंक मौजूद हो। अब अगले इतवार या जुम्मे के बयान में उसको इसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी ना कि भाई मैंने ये जो बुजदिली दिखाई है या मैं डर गया हूं, मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो इसकी वजह से मैंने किया। उसकी वजह से पकड़ के मेरे ऊपर क्लिप अदालती खुला के रिकॉर्ड करवा दिया और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है, वो उन्होंने फिका मालकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। तो फिर हमें बाद स्टूडेंट्स ने एक दुखा स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि इस तरह जवाब, मैंने कहा जवाब क्या यार, ये खुद ही मेरी पुरानी वीडियो चला दो इसका झूठ खोल जाएगा, इसने क्या कुछ किया, सिर्फ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने इनको पहले बताया कि भाई बनू उमैया की चालें, बल्कि तुम्हारे मामू की चालें जहां पे खत्म होती है ना वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हाँ, इसे में रखिएगा, मैंने कभी भी फरोई मामलात के अंदर तुमसे नहीं उलझना जब तक तुम लोग अपने अकीदे इस्लाम के मुताबिक साबित नहीं करते। जो लोग थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करें जिनके बुजुर्गों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर वो अकीदे लिखे हों जो कुरान और सुन्नत से साबित ही ना हो, तो जब तक तुम्हारे अकीदे साबित नहीं होते तुम्हारी फ्रूई जो इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस होंगे, और तुम ये चाहते हो कि तुम उन चीजों से हटा के इस तरफ लगाओ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक तुम हमें जवाब नहीं दोगे कि तुम्हारे एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को अपने साथ लिटाकर उसके सीने पे हाथ फेरे करवट उसकी तरफ की और वो चीख उठा मियां, लोग क्या कहेंगे, और वो इतना ढीठ था दूसरा कहता कहने दो लोगों को जो कहते हैं, लोगों की क्या परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया हुआ है, रशीद अहमद गंगोई और कासम ननौतवी एक दूसरे को लिटा रहे हैं, लिहाजा ये ना समझे कि आजकल मुफ्तियों की वीडियोस लीक होती हैं लड़कों के साथ। हाँ, ये सिलसिला पुराना चल रहा है, उससे भी पहले, बल्कि हाफिज इब्ने कसीर ने तो तारीख इब्ने कसीर अल बिदाया व नहाया में लिखा है कि ये ऐसा मर्ज है कि वो कहते हैं कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज, कोई
कोई फकीह, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ऐसा नहीं है जो इस काम से बचा हो सवाए जिसमें अल्लाह रहम फरमाए। और उन्होंने लिखा कि अपने बच्चों को इन बुजुर्गाने दीन की पहुंच से दूर रखा करें, खुसूसन सफर में। जी रायविंड में इतने वाकयात रिपोर्ट हुए थे कि फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने बकायदा पाबंदी लगा दी कि किसी जमात में कोई लड़का नहीं जाएगा बुजुर्गाने दीन के साथ जब तक कि उसका अपना बाप या बड़ा भाई साथ ना हो। तो हाफिज इब्ने कसीर तो 774 हिजरी में फौत हुए, आज चल रहा है 1445 हिजरी, मैं 700 साल पुरानी बात कर रहा हूं। और ये मैंने कोई हाफिज इब्ने कसीर से नहीं लिखवाया था कि भाई मैं 700 साल बाद आना था, मैंने मंजी टोकनी है तो लिख के जाओ। इन्होंने प्रिंट किया उर्दू में, तर्जमे को बदलने की कोशिश की, फिर भी पकड़े गए। मैं ओरिजिनल तर्जमा भी लगाऊंगा और इनका भी तर्जमा, उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके बुजुर्गाने दीन क्या कुछ करते रहे। तो ये सारी बातें इनको साबित अपने अकायद के ऊपर पहले बात करनी होगी, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर। इस तरीके से जो इन्होंने दावा किया कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, और हमने साबित किया कि ये लोग इनके बुजुर्गाने दीन के बारे में इनका कीदा, ये कब्रों से निकल के इनकी मदद करते हैं बेदारी के अंदर। तो कासम नौतवी दो मौलवियों की सुलह करा के वापस चला गया, और सख्त सर्दियों के अंदर भी लिहाफ के अंदर उसके पसीने छूट गए, और भी कुछ छूट गया होगा। अभी भी मौलाना कासिम आए थे, वो तो लिखा हुआ है। इनको साबित करना होगा कि इनके बुजुर्गों ने ये जो अकीदा घड़ा कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श से अफजल है, ये किस आयत हदीस से निकाला है। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि जो इन्होंने अकीदा बताया कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र मुबारक में दुनिया की सी जिंदगी के साथ है, इसकी ताबीर करते थे ये बुजुर्गों ने, दुनिया की सी कहा है, दुनियावी नहीं कहा। भाई ये चलाकियां फिका अनफी की, तुम्हारे पुराने बुजुर्गों के साथ तो तुम लड़ सकते थे, शाफियों के साथ, इंजीनियर के साथ तो नहीं लड़ सकते ना। तो कहते हैं वो दुनिया की सी से मुराद ये है कि वो ना, चूंकि जिसमें अतर सलामत है ना, इसलिए गोया के दुनिया की सी है ना। तुम्हारे शेख ज़करिया कांदबी ने तो लिखा है कि 550 साल बाद रसूलुल्लाह ने 90,000 लोगों की मौजूदगी में कब्रे अतर से अपना हाथ बाहर निकाल दिया और लोगों ने देखा ख्वाब में नहीं बेदारी में, यह है दुनिया की सी। झूठ बोलते हो, और तुम्हारे जो मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ है, मुफ्ती तकी उस्मानी, उसने तो दरसे हदीस में ये वाक्या बयान किया। मार रखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अकदस में से नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने यह नज़र किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कभी रिफाइन ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस है। जितना अभी वो शान वाकया इनके साथ पेश आया, और ये मार रखीन ने मुतअद्दिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजारहा अपराध की मौजूदगी में ये वाकया पेश आया। देखे और दरसे हदीस है तो वाकया केड़ा पे बयान होता है। तो दुनिया किसी नहीं, दुनिया भी मानते हैं यार। ये हाथ मुबारक तो सईदा फातिमा के लिए नहीं निकला, सईदा आयशा के लिए नहीं निकला, सईदुना अली के लिए नहीं निकला, तो तुम्हारे तो ये सारे बाबे शाही को ही नहीं। तो ये तुम्हें अपने कीदे साबित करने पड़ेंगे।